नमस्कार मतांतर को स्वागत करछु मु स्मृतिलग्ना। दर्शक बंधु आपण जानिछंति बिजुली दर जेभळी भाबरे वृद्धि पाइबारे लागिछि, अघोषित विद्युत काट हेउछि बा लो वोल्टेज रो कथा कहंतु। प्रत्येक क्षेत्र रे एक कथा देखिबाकु मिलुछि जे खाउटी माने ही हैरान हेउछंति, हंतसंत हेउछंति, दहगंज हेउछंति। एवं जो प्राइवेट कंपनी रहिछि तांकु सरकार अहेतुक अनुकंपा देखैछंति, जहाकु नेकि आजि बिजुली दर वृद्धि प्रतिवाद रे राज्यव्यापी निया जळिथिबा देखिबाकु मिलुछि। ए बाबद्रे अधिक आलोचना करबा सहित रहिबे पंचानन कानूनगो वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं बाबू सिंह बीजेपी नेता, उभयंको स्वागत करूछि कार्यक्रम को। तबे दर्शक बंधु कहि रखिया पई चाहिबि जे राज्यव्यापी बिजुली निया बा वर्धित विद्युत दर प्रतिवाद रे राज्य सरकार को बीजेपी निशाना को नेबा परे वर्तमान ए कथा को नै चर्चा जोर। गतकाली बीजेपी तरफ रु सांबादिक सम्मेलन करा जैतिला, 12 अभिजुक सामना को आसीतिला एवं ए 12 अभिजुक भितरे सबठु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची 7 वर्ष रे 200% रु अधिक बिजुली दर बढीची, जहा को नै कि प्रतिवाद करिछि बीजेपी। तो वर्तमान समय रे प्रथमे बाबू सिंह को पाखु जिबा पई चाहिबे श्रीजुक्त सिंह, किभळि देखंती आपण राज्य रे साधारण जनता जेतेबेले रोजगार प्रभावित होईची कोरोना माड़ रे, जेतेबेले सेमाने रोजगार करि पारु नाहंती, आर्थिक अनटन से भितरे बिजुली दर बढ़ीबा सेमान को पाई केते बड़ एक चिंतार कारण पलटि थिबो। निश्चित भाव रे देखंतु जेतेबेले कोरोना रो महामारी रे समस्ते सामना करूचंती, लोक खाद्य पाई संग्राम करूछि, पेट चिंता जेतेबेले लोक मानंकु घारिछि, सेतिके बेले सरकार ओईआरसी संगे एक मधुचंद्रिका करिसंती एवं साधारण केवल गोटे थर नुह 6 मास भितर गत सेप्टेम्बर मसने 30 पैसा यूनिट पिछा 20 पैसा बढ़े एवं पुणी मार्च मसने पुणी 30 पैसा बढ़ई कहवा कथा। सरकार लोक मान साधारण लोकं मंगल कथा चिंता करवा कथा, ये बड़े लोक मैंने पैसापी लड़ुं निजर जीवन जीवन जीविका चली जातीक बड़े लोकों पर एक बोझ एक घर कंपानी साहय पूरा लोकों पर लदि देती बोझ एवं लोक मु तो निजे फेस करुच्ची जी बिल आसाला पखापाखि तार डबल बिल आस से ही सबू लोक सामना करखापाखि डबल बिल दौंती लोक मैंने हंतसंत होगले टाटा नेला आउ गोटे ये वोल्टेज पूरा लो रही केते बड़े लाइन कटा जाते आसूरी तार किसी ठिक ठिकना ना जदि राज्यर राजधानी आम रोचु राज्य राजधानी एपरी अवस्था तेल आपत कोरापुट कहतु कलाहांडी कहतु अलग मयूरभंज जिला कहतु कौन अवस्था होती मुझे अनुमान कर तेणु यहाँ लोक बहुत जोर बाधि श्रीजुक्त सिंह गोटे समस्या आसुनी बिजुली दर वृद्धि कहतु बिना मीटर रे बिजुली बिल कथा कहतु लो वोल्टेज रो कथा कहतु गोटे दुईट असुविधा नुह पुंजा पुंजा असुविधा जितेबले साधारण जनता पकेट रे पैसा ना से भाव में विद्युत दर वृद्धि करवा विशेष भाव में प्राइवेट कंपनी घर कंपानी को अहेतुक अनुकंपा देखा ये सरकार कि मनोवृत्ति आप देखते देख बहुत कथा अच्छी केवल बिजुली बिल रो वृद्धि कथा नुहे जो कथा आप कहले बिना मीटर रे ये एवं पूरा ओडिशा बासिंग की सीधा सड़क भाव में लुंठन करा जाउची प्राइवेट कंपनी माने गोटे मुझे खाली छोटिया एग्जांपलटा देवी विगत 5 वर्ष भितर टाटा कंपनी चाहिए परमिशन भी नहीं 1300 लोक तार निज से कंपनी एडजस्ट करने राज्य सरकार हूँ कि ओईआरसी हूँ परमिशन देखते किंतु विगत 8 वर्ष भितर 7500 आम ओडिया युवक मैंने ओडिया लोक मैंने सेठारे साधारण कर्मचारी हूँ बा इंजीनियर हूँ बा लाइन्समैन हूँ तांकु एपर्यंत स्थायी निजुक्ति देवाई पूरा ठकामी चली
एवं माने कोठी ना कोठी ओडिया बासिं के ओडिसा बासिं के ये प्राइवेट कंपनी जरिया रे पूरा दिन दिहिपर लुंठन करा जाउची एवं फाइनेंशियल कंडीशन ओडिसा बासिं कर आ माध्यम रे दुर्बल करा जाउची एवं सीधा सड़क मु कहिया को चाहे राज्य सरकार आधेरे पूरा नेतृत्व नौची राज्य सरकार एवं प्राइवेट कंपनी साहाज्य रे ओडिसार लोक मानंकु दिन देही परे लुंठन करुछंती। ओके मु आसीबे आपनको पाको सुजुक्त 55 कानून को उपभोक्तांक मुंडरे बिजुलीए बोझो को आपन केमती देखुछंती जेतेबेले सेमाने महामारी सहित एक अदृश्य शक्ति सहित मुकाबला करुछंती पाखरे पैसा नाही रोजगार प्रभावित होईछि अनेक चाकरी हरैछंती सेतेबेले बिजुली दर वृद्धि प्रसंग को आपन केमती देखंती। तो सबु दर तो बढ़ुची सबु दर बढ़िबा सांगेरे बिजुली दरटा एक एक मध्य बढ़ुची एवं सबु गुड़ाकर चाप उपभोक्ता उपरे लोकों उपरे एक समय रे पड़ुची से बजार रो दरदाम हो से पेट्रोल डीजल रो से बिजुली रो हो किंतु बिजुली दर विषय रे मु विशेष भाव रे चिंतित एथि पई जे गोटे प्रोड्यूसिंग स्टेट आम राज्य यह उत्पादन करे उत्पादन करे लो कॉस्ट उत्पादन लो कॉस्ट उत्पादन माने आमर जहाँ उत्पादन जहाँ आम खर्च करुचे जहाँ आमर आवश्यकता अच्छी से आवश्यकतार एक तृतीयांश रु अधिक पखापाखि 40% आम एकदम 70 पैसा 78 पैसा 101 पैसा आम यूनिट पिछा किनि थाउ अर्थात हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आम आनी थाउ विभिन्न सूत्ररु आम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आनी थाउ जल विद्युत एवं अन्य कथाटी मध्य आम निज राज्यर उत्पादन आर परिवहन बा ये जनित त्रुटि खर्च विशेष नुहे एवं आम एठु मध्य उत्पादन करिथाउ आमर थर्मल व्यवस्था रही बहु आगु रही कोइलार प्राचुर्य अछि आम आकु मध्य पाइथाउ दुर्भाग्यर कथा जेतेबेले डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मान ए जो जेतेबेले हला आमर होउछि भारत वर्षरे प्रथम रिफॉर्म करथिबा राज्य एवं आम समस्ते से विधानसभा मध्यम आलोचन भाग नहींलु मुझे जड़े रिफर्मर संस्कारवादी लोक एवं संस्कार करने सपक्षवादी से थी आज भी अच्छी किंतु सेत जो जो कथा गुड़िक कहुला जे आमको लो क्वालिटी रो जो दि जाऊँगी मिंजी मिंजी आलुओ जलुची सी जल्द ना रिजनेबल प्राइस दिजो चोरी हम ना चोरी बा नष्ट जो हो विद्युत ता कम ए सबु कथा आमको कहुला कौन कहला आम जदि यही कंपनी मानक हाथ को डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था दौ जदिओ डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्थाटा आमको संविधान मत आम सांविधानिक व्यवस्था अनुसार 29 आइटम भितर आमको पंचायत विभाग को ये जो डिस्ट्रीब्यूशन विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन लोकाल बॉडीज की देवाई जदिओ रही कहुला कारण से इन्वेस्टमेंट करेंगे आमर सिस्टम इम्प्रूवमेंट लाइन इम्प्रूवमेंट केबलिंग करेंगे जहाँ जहाँ करने कथा से माने करिवे प्रचुर अर्थ खर्च करेंगे एवं से जो से आम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीटा आम प्राइवेटाइजेशन कथाटा से कहगला किंतु सेतेबेलेर कथा आ एबेर काम भितरे आपण केते फरक देखंती सो पाखा पाखी टपी गला तफात तो फरक नुहे डिटोरिएशन तलकु तलकु खसुची तलकु तलकु केमती खसुची ना वर्तमान सुद्धा भारत वर्षरे जेतेबेले वर्तमान 12% होउची आमर टी माने टीएससी टोटल अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग लॉस होउची आमने जो ये आम इलेक्ट्रिसिटी लॉस कथा देखा जाउची आम राज्य रे एबे भी आम घोषणा रे 31% किंतु सेमानक घोषणा रे कंपनी मानकर जो दाखल करुछंती ओआरसी पाखरे से आउची 37-40% खर्च एबे सुधा बड़ी बड़ी के रही मु सेथि पाई यहा डिटोरिएशन यहा आलोचना समय छोटिया ब्रेक ब्रेक जारी रिजुली आलोचना ब्रेक
ପରେ ମତାନ୍ତରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଖାଉଟି ଲୁଟ୍ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ବାରିପଦା ରିପୋର୍ଟର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସେବା କମ୍, ଟିକସ ବେଶୀ, ବିଜୁଳି ସେବା ଲୋକ ଯେତିକି ପାଉନାହାନ୍ତି ଟିକସ ଦେଇଦେଇ ନୟାନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି, କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି? निश्चित पक्षे देखो स्मृति लग्ना जो मयूरभंज कथा कहवा मयूरभंज होची ओडिशा रो गोटे सबुठ बड़ जिला ओडिशा रो जेतेबेले बिजुली कथा जेतेबेले आसे बिजुली रो जो अव्यवस्था कथा कह जाए बिजुली रो जेमती कि दर कथा कह जाए खाउटी रो उपरे माड़ पड़ुछि सबले आम गहणर मध्य स्थानीय बासिंदा अछन्ते आमे सीधासल तांकर प्रतिक्रिया रखिबा कोन कहिबा आज्ञा बिजुली रो वर्तमान जा देखुछन्ते आपन माने सीधासल सामना रे घटुछन्ते किबळी भाबरे ताकु देखुछन्ते वर्तमान ग्राहक को केमती भाबले माड़ होछि देखु वर्तमान जो कोरोना परिस्थिति बिजुली जो आम उपरे बोझ उपरे नलिता बिड़ा जो विद्युत बिल जो बढ़िवारे लगी बोझ उपरे नलिता बिड़ा सदृश आम पाखे हो गला सब बड़ कथा है आम राज्य हूँ विद्युत गोटे बलका राज्य आम उत्पादन कर आहरी विद्युत बलका रोचे आम बाहर राज्य को पठाऊ कि दुखर कथा है आम जो पठाऊ कम दाम पठाऊ जो बाहर राज्य आम किणुचु से अधिका रेट्रे कि देखूँ केजरीवाल सरकार दिल्ली सरकार विद्युत किणी से लोक मूँ फ्री में देखते किंतु आम पांच पांच थर नवीन सरकार ये शासन कर जो कोरोना समय रे विद्युत भेटी दौंस लोक मानक योजना उपर योजना मध्यम कर किंतु लोक मानक सब प्रकार माने प्रेशर भितर रखुं जो भी आम भाविल किसी दिन आगु जो टाटा कंपनी आसला लोक भाविले जे आमपाई किसी करेंगे बोली कितना टाटा कंपनी आसला पुणी विद्युत दर बढ़ी चलला माने आश्चर्य कथा हो मयूरभंज जिला वर्तमान सुधा भी एमती जगह अच्छी जो बात्या ईओस पाखर लाइन जाइए एवं सुधा लाइन लोक पाइना उपभोक्ता बहुत हईराण रोच्च बर्तमान लोक सब राजस्ता को लेवाप चिंता कले कोरोना काल में मानने कोरोना मृत्यु ठू पेटर भूक एवं जो विद्युत ईर जो चाप लोक ग्रासी सारा तेणु जो जनसाधारण बर्तमान सामना को आसबे एवं यार प्रतिवाद करेंगे बोली सब जिलावासी स्वर आसला मयूरभंज जिलूर निश्चित पक्षे आउ जे अच्छा आम सहित आज जन अच्छा कौन कह आज्ञा बिजुली जो उपभोक्ता बर्तमान बिजुली बुद्धि को लेकिन चलती सारा राज्य भाव देखु जो विद्युत दर बढ़ुचे सारा ओडिशा राज्य कोरोना समय साधारण लोक बोझ उपर नलिता गुड़े सदृश साजिश देखु एप्रिल चार 2021 पाखु सरकार जो यूनिट पिछा हारहारी 30 पैसा वृद्धि कर साधारण जनता उपरे माने बहुत माड़ पड़ुची किंतु देखु विद्युत सेवा ठीक भावे प्रभावित हो एक गुरुत्वपूर्ण दिग नुह कि निश्चित पक्षे देखो जो ऑनलाइन पाठ पढ़ा वर्तमान सरकार आरंभ करते विद्युत ना अनेक गाँव गंडार एवं विद्युत ना विद्युत कट हो सब प्रकार व्यवस्था होती कि पाठ पढ़े बोली कि आज्ञा ये बहुत हास्यास्पद क्या आम राज्य सरकार ऑनलाइन माध्यम पाठपढ़ा कराई दूसरी किंतु वर्तमान आजिका परिस्थिति देखिए गाँ गली कथा तो छाड़ू वर्तमान बारिपदा सहर कथा मुख्य सहर कथा कहूँ वर्तमान भी घंटा घंटा धरी लाइन पा ना आ गाँ गली लोक डिब्री तले रखुंत यो सब बाटबणा सब योजना करुँच नवीन सरकार माने एटा धन्यवाद दिया जीवो ना कौन कह मोर तो प्रति भाषा ना जो माने सबू पिला सब राज्यवासी को सी अंधार मुह को ठेल दूसरे योजना नवीन सरकार को धन्यवाद दिया जीवो कि पिला ऑनलाइन क्लास करुछंती अथच घरे बिजुली नाही मु आसी भी आपन को पाकु वर्तमान श्रीजुक्त पंचानन कानूनगो को पाकु फेरबा पई चाहिबे श्रीजुक्त कानूनगो जो कथा में आलोचना करथले जे पूर्वरो अनेक प्रतिश्रुति मिलिथिला जो कथा चिंता करा जैथिला ताहा होई पाला नाही से भितरे गोटे वाइटल प्रतिश्रुति थिला चासिंग को मागणा बिजुली सेवा वर्तमान परिस्थिति रे ताहा हास्यास्पद नुह कि आग गोटे कथा क्लियर कर दिए उपभोक्ता सब शुणु एक्चुअली गत वर्षक भितर ये जिते जेपरी भाव ढंग से कहतु ना कहीं ये सरकार प्रवक्ता मैंने जहा जहा कहतु ना कहीं मत निजे दबाक पड़ा मार्च मस बिल कि एप्रिल मसरे दबाक पड़ा दुईटा बिल बढ़ी गोटाए वर्ष भितर 50 पैसा 30 पैसा 80 पैसा पर यूनिट कस्ट मत दबाक पड़ा यह हूँ सबुठ गोटे आईन भंगकारी व्यवस्था आईन तो कमी टाटा प्रीति
ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଓଆର୍ସି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି। ଯଦିଓ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଟିସନ କରିଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଣି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶୁଣାଣି କ'ଣ ହେବ ଦେଖାଯିବ, ତା ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ବାହାରିବ। ଆପଣ ଗୋଟାଏ ମାସରେ ଦିଆଗଲା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ, ଆମେ ସେଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର ଗୋଟାଏ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟରରେ ଥରେ ମାତ୍ର ବଢ଼ିବ ବୋଲିକିରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଲା ଦୁଇଥର ଏବଂ ଦୁଇଥର ଯାକର ପଇସା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମୋତେ ମୁଁ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ମୋତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏତେ ଅଧିକ ଅନୁକମ୍ପା ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପଛେ ଚୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଇଏ ଏକ ମୁନାଫାଖୋର ଆନ୍ତରିକତା ବା ମୁନାଫାଖୋର ମନୋବୃତ୍ତିର ପ୍ରତିଫଳନ ନୁହେଁ କି? ୟେସ୍, ମୁଁ କହିଲି ପୁରା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ସିଧାସଳଖ କହିଦେଲି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଉପଭୋକ୍ତା ବୋଲିକିରି କହିକିରି କହୁଛି। ମୁଁ କାହାଠାରୁ କାହାର କାଗଜ ନେଇକିରି ତାକୁ କହୁନାହିଁ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଅନେକ ଠାକୁରୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ନେଇଛି ଏବଂ ଓଆର୍ସି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଣି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟେ ତିନିଟା ଅଛି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ ତିନିଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଓଆର୍ସି ପାଖରେ, କାରଣ ଓଆର୍ସି ହେଉଛି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଅଥରିଟି ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଛି ଆଇନରେ। ଇଏ ହେଲା ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଖାଲି ବୁଝେଇ ଦିଏ। ସରପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମର ନୁହେଁ, ଆମର ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା, ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାୱାର ପରଚେଜ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ସଂସ୍ଥା ସବୁ, ତାଥିରେ ପାୱାର ପରଚେଜ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ପାୱାର ପରଚେଜ ଫଳରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ କି ବା ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି 9-10 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ମାଗଣା ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପାୱାର ପରଚେଜର ପ୍ୟାରିଟ ପାୱାର ପରଚେଜର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଭୋକ୍ତା ମିଟର ଗୋଟାଏ ରଖିଲେ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବି ପଇସା ଦେଉଛି ଅଧିକ, ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ବି ପଇସା ଅଧିକ ଦେବ ଆମର, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଛି କିଲୋୱାଟ୍ ପିଛା 35 ଟଙ୍କା। ଏମିତି ଭାବରେ ଯିଏ 20 କିଲୋୱାଟ୍ ବ୍ୟବହାର କଲା ସେ ମାସକୁ ମାସ ଏ ବାବଦରେ ପଇସା ଦେବ, ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ପଛେ ସେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କାହିଁକି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ ନା, ୟା ଭିତରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗତ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ 18,000ରୁ ଅଧିକ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସିବା ଚାଷୀ କଥାଟାକୁ, ଚାଷୀ କଥା ପାଇଁକି ସରକାର ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଫାଙ୍କିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଙ୍କିଲେ। ଫାଙ୍କିଲେ କ'ଣ ନା, ଚାଷୀ ପାଇଁକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 1.4 ଆମ ଟୋଟାଲ୍ କନଜପ୍ସନ୍ର 1.44% ହେଉଛି ଆମେ ଚାଷରେ ଲଗେଇଥାଉ। ଓକେ, ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ସମୟ କମ୍ ରହିଛି। ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ୍ ଚାହିଁବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁ ସିଂ। ଯେଉଁ 12ଟି ଅଭିଯୋଗ ବିଜେପି ଆଣିଥିଲା, ସବୁଠୁ ପ୍ରମୁଖ କଥା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ବାକି ପଡ଼ିଛି 4,006 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି କେମିତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ଏମାନେ ତ ପୁରା ଓଆର୍ସି ସାଙ୍ଗରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ପାଖାପାଖି 3,000ରୁ ଅଧିକା କୋଟି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା, ତାଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ବିଧାନସଭାରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ନାଇଁ, ୟା ଉପରେ ଆମେ କହିବୁ ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଓଆର୍ସି ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଏତେ ଓଆର୍ସି କି ଭୟଭୀତ ବା କ'ଣ ଆଙ୍କର ଏତେ ଭିତରି ବୁଝାମଣା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନାହିଁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ। 6-6ଟି ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ନା କରିଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାଁରେ ଏମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଖବର, ୟା ପରେ ପୁଣି ବଢ଼େଇବାକୁ ଯାଉଛି ଟାଟା, କାରଣ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଏମାନେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କରିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ହେଉ ବନ୍ୟା ହେଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିନାହାନ୍ତି। ପଇସା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପଇସା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏମାନେ ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଟାଟା ୟା ପରେ ପୁଣି ଚାହୁଁଛି ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକା ପଇସା ଇଏ କରିବି, ସେ ପଇସା ସିଧାସଳଖ ସବୁ ଚାପ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି, ସବୁ କଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଏତେ ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କନ୍ଦାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କରୋନା ସମୟରେ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 50 ପଇସା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ କନ୍ଦାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ, ଅନେକ ଜାଗାରେ
मीटर रे बिल आसुनी एवं अनेक दुख भितर जितेबाला लोक माने रोजगार को नेकी प्रभावित होइछंती अभिजोग आणुछंती राजरास्ता कोल्हाउछंती तांको अभिजोग सुनिबा को केइ नांती ये होची सबुठ दुखर कथा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त पंचानन कानून को रहिथिले बाबू सिंह रहिथिले उभय को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आम सहित आमर बारीपदा रिपोर्टर रंजन दास मध्य रहिथिले जे लगातार भाबरे लोकंकर प्रतिक्रिया सुनुथिले। समय होची मतांतर को एठकिबा विदा दियंतु नमस्कार।